इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एनपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त के अपडेट की बात करें तो सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब ये महंगाई डायन का घूम जीएसटी के रूप में आटा दाल चावल गेहूं में लग गया है। जी हां, साथ ही दही लस्सी और पनीर सहित डेयरी उत्पादों के दामों पर भी 5% की वृद्धि आमजन की जेब का बजट बिगाड़ेगी। अब महंगा दूध दही छाछ आपकी सेहत तो बनाएगा लेकिन जेब की सेहत बिगाड़ेगा। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से 25 किलो से कम के पैक्ड फूड पर भी 5% जीएसटी लागू कर दी है। जी हां, रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब जीएसटी का भार आमजन की मुसीबत को और बढ़ाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 25 किलो से कम के पैक्ड फूड पर 5% जीएसटी लागू कर दी है लेकिन 25 किलो से अधिक का पैक्ड आइटम और खुले में बिकने वाला दही पनीर छाछ आटा गेहूं चावल को जीएसटी के दायरे में जो है बाहर रखा गया है। अब पैक्ड आइटम खरीदना हो तो 25 किलो से अधिक या फिर खुला खरीदने पर ही जीएसटी के भार से बचा जा सकता है। ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एनपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।